हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैंपियंस स्टडी पॉइंट पर। देखिए, हमारे 7 लेक्चर्स हो चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के, और जो लास्ट रिसेंट 2 लेक्चर थे उनमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी। वो इसलिए क्योंकि आपके फॉर्मूलेस पे कमांड नहीं है। मैं अगेन आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, प्रैक्टिस करने के बाद ट्रिग्नोमेट्री में 12 में से 12 मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, बहुत छोटे और इजी क्वेश्चंस के साथ स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। ये है हमारे सामने क्वेश्चन, cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू 2 cos² थीटा माइनस 1 upon sin θ cos θ। तो देखो, मैं LHS स्टार्ट कर रहा हूँ। LHS में क्या लिखा हुआ है आपके पास, cot थीटा माइनस tan थीटा। cot थीटा को किस में चेंज करूँ, sin cos में। जब कुछ भी समझ में नहीं आता है तो क्या करते हैं, रामबाण लगाते हैं। रामबाण क्या होता है, साइन कॉस में चेंज करना। कॉट क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। माइनस टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अगेन फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। माइनस एज इट इज टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या एलसीएम आया इनका आपके पास, कॉस थीटा साइन थीटा। ये एलसीएम आया साइन थीटा कॉस थीटा। साइन से साइन कैंसिल, कॉस इंटू कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस से कॉस कैंसिल, साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज क्लियर हो गई, मैंने क्या करा। अब देखिए आंसर आपके पास ऊपर 2 cos² नीचे वाला आ चुका है डिनोमिनेटर। देखिए ध्यान से गुप्ता जी, साइन थीटा कॉस थीटा ये आ गया हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा ये आ गया। हमें ऊपर कॉस में ही लाना है आंसर। यहाँ पे साइन एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, साइन एक्स्ट्रा आ रहा है। हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, 1 minus cos² थीटा होता है। क्या सबसे पहली आइडेंटिटी ये ही पढ़ी है हमने। चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, माइनस बाहर ले लेता हूँ साइन स्क्वायर थीटा की जगह, 1 minus cos² थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। माइनस से ओपन करते हैं, चलिए माइनस से ओपन कीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 minus minus प्लस, ये हुआ आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, मैंने क्या करा। यस, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपके पास, 2 cos² थीटा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, बहुत ईजी। माइनस वन एज इट इज माइनस वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर हो गया क्या, मैंने क्या करा, सबको क्लियर है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आता है, आप इसको नोट कीजिए वीडियो को पॉज करके। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरीके से, देखिए क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहली चीज हाँ, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, कॉसेक थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन कुछ नहीं, आगे सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1। देखिए इस क्वेश्चन को हमें मैनेज करना है, बहुत इजी। जब कुछ समझ में नहीं आता है पूरे क्वेश्चन को किस में रिड्यूस करते हैं, साइन कॉस में। जब हमें कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हम पूरे क्वेश्चन को किस में रिड्यूस करते हैं, साइन कॉस में। चलिए चेंज कीजिए पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में, कॉसेक थीटा क्या होता है, 1 upon sin θ। आगे बढ़ते हैं, माइनस का साइन थीटा एज इट इज, सेक थीटा क्या होता है, 1 upon cos θ, माइनस कॉस थीटा एज इट इज, इसको भी किस में चेंज कर देता हूँ, साइन कॉस में। टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन, बोलिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मैंने LHS स्टार्ट करी। चलिए देखिए इन दोनों में LCM ले रहा हूँ साइन थीटा, इन दोनों में क्या कर रहा हूँ,
एलसीएम ले रहा हूं साइन थीटा, वन कांस्टेंट, साइन से साइन का मल्टीप्लाई करो साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या आया, क्योंकि मैंने एलसीएम लिया नीचे वन था तो वन का साइन में थीटा डिवाइड किया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, एलसीएम लिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ नीचे अगेन एलसीएम लो, दो दो में पे एलसीएम लिया साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन इंटू साइन कितना होता है बताओ जल्दी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, चलिए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कुछ होता है क्या बताओ फॉर्मूले, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, इतनी चीज क्लियर हो गई आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, देखिए ये साइन थीटा और ये साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसल और ये कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल इक्वल्स टू वन, हेंस प्रूव्ड, क्या आ गया ये आपके पास इक्वल्स टू आर एच एस, एल एच एस इक्वल्स टू क्या हो गया आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, ये हो गया क्वेश्चन आपके पास कंप्लीट, कितने इजी क्वेश्चन से, जब भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो पहला काम हमें क्या करना है उस क्वेश्चन को साइन कॉस के साथ डील करके देखना है, ये श्योर नहीं है, मैं आगे जब बढ़ूंगा तब आपको एक क्वेश्चन बिना साइन कॉस के भी करवाऊंगा वो ज्यादा इजी रहेगा, लेकिन फिलहाल सारे क्वेश्चन को हम किसमें मैनेज कर रहे हैं साइन कॉस में, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपके लिए क्लियरेंस बढ़ता जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए आपके सामने, उस क्वेश्चन में बोला है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या बोलता है वो, और बहुत इजी क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा अपॉन टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा, ये जो क्वेश्चन है ये आपके सामने सीबीएसई 2018 में आया हुआ है और अभी रिसेंट सीबीएसई 2020 में आया हुआ है, एक साल छोड़ के एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि ये एनसीईआरटी फोल्डर से, ये कहाँ से क्वेश्चन कनेक्ट हुआ है एनसीईआरटी से, बहुत ईजी क्वेश्चन है लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्वेश्चन कभी भी नहीं होता है, आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिए इस क्वेश्चन के लिए, यहाँ पे मैं एलएचएस सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं एलएचएस को सॉल्व करना स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए ऊपर क्या कॉमन है मेरे पास साइन थीटा कॉमन है क्या, ऊपर से देखो मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, चेक करते हैं वापस मैंने क्या करा, ऊपर से क्या कॉमन है साइन थीटा कॉमन है तो साइन थीटा से साइन थीटा कॉमन आया क्या बचा वन माइनस टू साइन क्यूब थीटा, तो टू साइन क्यूब में से साइन थीटा बाहर आया, क्यूब में से एक बाहर आया तो स्क्वायर बचा टू साइन स्क्वायर थीटा, नीचे एज इट इज सेम कॉस थीटा कॉमन ले लो तो कॉस थीटा कॉमन लिया तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का वन, अब देखो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, आगे का एज इट इज लिख देता हूं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, अब आप आरएचएस में अगर बहुत ध्यान से देखें तो सिर्फ आंसर टेन थीटा आ रहा है और ये टेन थीटा आपके पास आ गया, यानी कि ये चीजें आपस में कैंसल आउट होगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होगा आपस में कैंसल आउट होगा, और कैंसल आउट होने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए सेम, जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट सेम होने चाहिए, यहाँ पे दोनों जगह एलिमेंट अलग अलग है तो पहले मैं इनको सेम करता हूँ, एक काम करता हूँ किसी भी एक को साइन कॉस की रिलेशनशिप पता है हमें तो किसी रिलेशनशिप को एक जगह रख देता हूँ, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या रख रहा हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, चलिए रखते हैं टेन थीटा, देखना अपनी नजरें बहुत तेज रखना, ये वन एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, ये टू एज इट इज, अब साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख रहा हूं
1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, चेक करते हैं वापस, देखिए 1 एज इट इज, माइनस एज इट इज, 2 एज इट इज, साइन स्क्वायर थीटा की जगह हमने क्या रखा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए, टेन थीटा 1 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 2, माइनस माइनस प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझ पा रहे हैं आप लोग मैंने क्या करा। चलिए देखिए इसको थोड़ा और इजी करते हैं, टेन थीटा एज इट इज, 1 माइनस 2 कितना होता है माइनस 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप देख सकते हो अगर मैं इस प्लस वाले को आगे लिख लूं, अगर मैं इस प्लस वाले को 2 कॉस स्क्वायर थीटा को क्या कर लूं आगे लिख लेता हूं, तो ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कैंसल, बचा क्या हमारे पास tan थीटा इक्वल्स टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। आप देख सकते हो ये क्या थे हमारे पास, आर एच एस में यही था क्या, आर एच एस और एल एच एस का मीन्स क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो हम पूरा सॉल्व करने के लिए बार tan थीटा आ गया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो रिसेंट 2 ईयर्स का लिखा हुआ है लेकिन बहुत बार आ चुका है, प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए, सेल्फ अटेम्प्ट जरूर करिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रिकी इस जगह ये कॉमन लेना, पहली स्टेप ही मूव नहीं होती उसके बाद तो ये ऑटोमेटिकली क्या होता है मैनेज हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से है, देखिए क्या है हमारे पास अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो कुछ इस तरीके से है, कॉस की पावर 4a माइनस का कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू साइन की पावर 4a माइनस का साइन स्क्वायर a, ये चीज प्रूफ करनी है आपको। अब देखिए क्वेश्चन देखने में बहुत टिपिकल है लेकिन बहुत इजी, इधर देखिए इसको पूरे कोस को किस में कन्वर्ट करना है, साइन में कन्वर्ट करना है, तो चलिए वही काम करते हैं, सबसे पहले इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, जब जब आपको कॉमन दिखेगा तब तब आपको कॉमन लेना है, इन दोनों में क्या कॉमन है जल्दी बताइए, कॉस स्क्वायर ए कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है हमारे पास, कॉस स्क्वायर ए कॉमन लिया हमने, अंदर क्या बचेगा देखो पावर फोर में से 2 कॉमन नहीं, कॉस स्क्वायर ए माइनस का 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर ए, अब आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना, मेरे पास साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 है, अगर मैं पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, माइनस का साइन स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का कॉस स्क्वायर ए, या फिर मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं माइनस का साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, यानी कि साइन स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 को माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या, चलिए तो इसको मैं लिख लेता हूं यहां से, देखना कैसे कनेक्ट करा मैंने कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, यहां साइन का फर्क था इसलिए माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस का साइन स्क्वायर ए, अब इस कॉस स्क्वायर को भी क्या है साइन की टर्म्स में लाना है, तो इस कॉस को भी वापस क्या लिख सकता हूं, कॉस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूं क्या, इंटू माइनस का साइन स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई कीजिए इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस का साइन स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस 2, 2 और 2 पावर कितनी हो जाएगी 4, तो ये बन गया साइन 4 ए, देखिए 4 स्टेप का आंसर,
ये तीन तीन मार्क्स में क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन की पावर 4a, आप इसको आगे पीछे करके लिख लीजिए, साइन की पावर 4a माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू क्या आ गया आपके पास, RHS, अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ गई तो क्वेश्चंस क्या हो गया, प्रूव हो गया। जितने भी अब क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास वो कहीं ना कहीं प्रूव करने वाले ही आएंगे। इतनी चीज क्लियर हो गई आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन को और लेंथी और टिपिकल बनाते हैं और अच्छे क्वेश्चंस लेके आते हैं। उम्मीद करता हूं अब आप थोड़े से प्रैक्टिस पार्ट पे हैं तो आपको क्लियरेंस हो रहा होगा फॉर्मूले का, जितने जल्दी आप फॉर्मूले करोगे उतना जल्दी आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है वो आपको ये वाला क्वेश्चन, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का वन इक्वल टू वन प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपके सामने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ऐसा क्वेश्चन एक आपके एनसीईआरटी में भी है, ऐसा क्वेश्चन आपके एक एनसीईआरटी में भी है। ऐसे में बैक टू बैक तीन से चार क्वेश्चन कराऊंगा, ऐसे में बैक टू बैक क्या कराऊंगा, तीन से चार क्वेश्चन कराऊंगा, वहां जाके आपको आइडिया लग जाएगा कि इन क्वेश्चंस में हो कैसा रहा है। पहली बार आपको जब ये क्वेश्चन करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये ट्रिग्नोमेट्री हमारे साथ ही क्यों हो रहा है, लेकिन नहीं, ये क्वेश्चन बहुत प्रैक्टिस वाला है। इस क्वेश्चन पे 5-star 3D डाल देना आप लोग, इस क्वेश्चन पे क्या करना, 5-star 3D वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस साल एग्जाम में बहुत ज्यादा चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के, इस टाइप के क्वेश्चन के। मैं इस क्वेश्चन की श्योरिटी नहीं लेता हूं, मैं ये बोल रहा हूं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो आपके आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब मैंने हर बार आपको सिखाया कि हम क्वेश्चन को साइन क्रॉस के साथ डील करते हैं, क्या करते हैं, मेरी एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनना, थोड़ी देर के लिए रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, मेरी एक एक बात को बहुत अच्छे से सुनिएगा और इसको निकाल के अपने अंदर जहन में उतार लीजिएगा, वरना बहुत मुश्किल है। टेन थीटा और एनसीईआरटी में इसका तरीका अलग है, वो अच्छा नहीं लगा मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा इजी वे में मूव कर रहा हूं। हर बार मैंने आपको बोला कि हम रामबाण लगाते हैं, क्वेश्चन को साइन और कॉस में चेंज करते हैं, लेकिन जब ये ऐसे क्वेश्चन तीन तीन की पेयरिंग में हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तब हम साइन कॉस के साथ डील करना पसंद नहीं करेंगे, हम इसको टेन और सेक में ही रखेंगे, हम इसको क्या करेंगे, टेन और सेक में ही रखेंगे। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में आप 1, 2 या 3 क्वेश्चन करोगे उसके बाद आपको क्लेरिफिकेशन आएगा मैं करना क्या चाहता हूं क्वेश्चन में। पहले पूरा क्वेश्चन देखिए, इससे रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। ये 1 दिख रहा है आपको, ये tan थीटा एज इट इज, sec थीटा एज इट इज, ये पूरा एज इट इज, ये 1 दिख रहा है, इस 1 की जगह tan थीटा और sec थीटा की आइडेंटिटी रखूंगा। क्या बोला मैंने, इस tan की जगह tan थीटा प्लस sec थीटा की आइडेंटिटी रखूंगा। क्या होती है आइडेंटिटी, 1 प्लस, थोड़ा सा साइड में लिख देता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा। तो देखिए tan स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 इक्वल्स टू क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। 1 की जगह, सिर्फ ऊपर वाले 1 की जगह, नीचे नहीं रखना। थोड़ी देर के लिए आप क्यों मत पूछना कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मैं आपको रिजल्ट लाऊंगा, 3 या 4 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में इसका रीजन बता पाऊंगा आप लोगों को कि हम ऐसा क्यों मैनेज कर रहे हैं। 1 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, चलिए यहां रखता हूं, ये tan थीटा एज इट इज प्लस sec थीटा,
ये माइनस, देखिए इस वन की जगह क्या रख रहा हूं मैं, माइनस उसकी जगह था sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा अपॉन, नीचे कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। इस क्वेश्चन को बहुत स्पेसिफिक लिख लेना कि कम से कम 5 बार प्रैक्टिस करनी है, कॉपी का पेपर फोल्ड कर देना, ये वाला एक बार में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होता है, बहुत प्रैक्टिस से आता है। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है क्या, देखिए मैंने सिर्फ इस वन की जगह आइडेंटिटी रखा, नीचे कोई भी चेंजेस नहीं करे, क्या इस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख सकता हूं? यस, चलिए लिखिए इसको, ये टेन थीटा प्लस sec थीटा एज इट इज माइनस, इसको एक बार लिखिए प्लस में, sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस का tan थीटा अपॉन क्या बचा, tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस वन। देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, tan थीटा प्लस sec थीटा और ये क्या लिखा हुआ है देखो यहां पे sec थीटा प्लस tan थीटा, क्या इसको मैं tan थीटा प्लस sec थीटा बोल सकता हूं क्या, इस पे और इस पे फोकस करो, tan थीटा प्लस sec थीटा और ये भी tan थीटा प्लस sec थीटा लिखा हुआ है क्या, क्या ये दोनों में कॉमन है, मैं इसको कॉमन ले रहा हूं पूरा को बाहर, बहुत ध्यान से देखना, tan थीटा प्लस sec थीटा कॉमन, ये पूरा बाहर आ गया तो क्या वन बचेगा क्या, देखो ध्यान से, tan थीटा प्लस sec थीटा पूरा कॉमन लिया, पूरा बाहर आ गया, यहां से क्या बचा वन, ये माइनस एज इट इज, ये माइनस एज इट इज, ये पूरा बाहर आ गया, देखो tan थीटा प्लस sec थीटा पूरा बाहर आया, आप ध्यान से देखना, tan थीटा प्लस sec थीटा बाहर आया, यहां पे क्या बचा वन, sec थीटा प्लस tan थीटा बाहर आया माइनस एज इट इज, और ये वाला ब्रैकेट sec थीटा माइनस का tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस वन। चलिए इसको माइनस से ओपन कर रहा हूं, tan थीटा माइनस का sec थीटा, मैंने क्या करा आप लोगों को क्लियर हुआ, कॉमन लिया, गॉट इट, क्या आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, चलिए अच्छी बात है आपको थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस वाला पार्ट है, tan थीटा प्लस sec थीटा वन, देखो माइनस से ओपन करो, माइनस का sec थीटा और माइनस माइनस प्लस का tan थीटा अपॉन tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस वन, अगर आपकी नजरें बहुत ज्यादा तेज हो तो देखो ये प्लस का वन, ये प्लस का वन, माइनस का sec थीटा माइनस का sec थीटा और प्लस का tan थीटा और प्लस का tan थीटा, ये पूरी टर्म एक जैसी है क्या, आगे पीछे कोई बात नहीं, क्या ये पूरी टर्म एक जैसी है, इस पूरी टर्म से ये पूरी टर्म कैंसल, क्या बचा आपके पास tan थीटा प्लस sec थीटा, आंसर किस में आ रहा है, साइन कॉस में, तो इसको tan थीटा सॉरी यहां tan थीटा प्लस sec थीटा, इसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, इसको किस में चेंज कर दीजिए आप, साइन कॉस में tan थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा, sec थीटा क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन cos थीटा, cos थीटा LCM ले लीजिए, ये cos थीटा LCM लिया, थोड़ा इधर लिख दिया मैंने, इसको इस साइड लिख लेता हूं, cos थीटा क्या ले रहा हूं LCM, तो ऊपर क्या बचा sin थीटा प्लस 1 इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ आप देख सकते हैं 1 प्लस sin थीटा, ये रहा 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। आप सबसे एज ए टीचर, एज ए ब्रदर, एज ए फ्रेंड बहुत हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इस क्वेश्चन पे बहुत 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 ज़्यादा प्रैक्टिस मांगता है, इसको अच्छे से करिएगा और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके आने के, तो ये क्वेश्चन एक बार में नहीं होता है, प्रैक्टिस कीजिए, मैं इसके 3-4 क्वेश्चन बैक टू बैक करवा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चन को मैनेज कर रहे हैं। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, पूरे क्वेश्चन को समझिए और सेल्फ ट्राई कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये सेम क्वेश्चन नहीं बोल रहा हूं, इस टाइप के जो 3 या 4 क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें से कुछ भी आ सकता है हमारे पास।
क्या बोला, देखो क्वेश्चन आएगा हमारे पास सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेस है, cot theta प्लस का cosec theta माइनस वन अपॉन cot theta माइनस का cosec theta प्लस का वन इक्वल टू वन प्लस cos a अपॉन साइन ए। सेम क्वेश्चन है, बस का टर्म्स चेंजेस है। चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं, मैंने आपको पहले कैसे समझाया था वहीं से स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन। सबसे पहली चीज आपको ये वाला ऊपर वाला जो वन है इसकी जगह आइडेंटिटी रखनी है। कौन सी आइडेंटिटी? कॉट और कॉसेक वाली आइडेंटिटी। क्या होती है आइडेंटिटी कॉट और कॉसेक वाली? वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है क्या? तो वन इक्वल टू, वन इक्वल टू क्या होगा हमारे पास? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये होगा। चलिए तो इस वन की जगह रख रहा हूं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। पूरा क्वेश्चन सेम है एज इट इज। कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस का क्या रखा उसकी जगह ब्रेकेट पूरा रख दो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा प्लस वन। देखिए ध्यान से समझना सबसे पहली चीज। बच्चे क्या करते हैं माइनस तो लगाते हैं यहाँ पे ब्रैकेट लगाना भूल जाते हैं, इसको लिख देते हैं माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो अपने को स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करना है और परफेक्शन के साथ मूव करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखिए। कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा माइनस एक बार प्लस में एक बार माइनस एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखिए कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और ये बना कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा प्लस वन। देखिए ये क्या लिखा हुआ है कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये क्या लिखा हुआ है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसको कॉमन ले लूं क्या? देखो ये दोनों में कॉमन, इसमें दोनों में कॉमन ले लो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन लिया। देखो ध्यान से ये पूरा ब्रैकेट बाहर आ गया कॉसेक थीटा, आगे पीछे लिख सकते हैं प्लस में, टू प्लस थ्री लिखो या थ्री प्लस टू लिखो एक ही बात है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉमन, सेम पिछला वाला क्वेश्चन, ये कॉमन आया पूरा बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचेगा वन, ये माइनस एज इट इज। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा पूरा बाहर आ गया, ये वाला ब्रैकेट एज इट इज कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा अपॉन यहां पे नीचे देखिए कॉट थीटा नीचे बचा आपके पास कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा प्लस का वन। इसको माइनस से ओपन कीजिए वही स्टेप सेम टू सेम, ये आगे वाला ब्रैकेट इज इट इज कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा वन माइनस का कॉसेक थीटा माइनस माइनस प्लस कॉट थीटा अपॉन नीचे वाला एज इट इज कॉट थीटा माइनस का कॉसेक थीटा प्लस वन। चलिए चेक कीजिए ये प्लस का वन, ये प्लस का वन, माइनस का कॉसेक थीटा माइनस का कॉसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा प्लस का कॉट थीटा, ये दोनों ब्रैकेट सेम है क्या? आगे पीछे लिख रहे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस पूरे ब्रैकेट से ये पूरा ब्रैकेट कैंसल। क्या बचा आपके पास? कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। अब बताइए आंसर किसमें? साइन कॉस में, इसको किसमें चेंज कर दूंगा? साइन कॉस में चेंज कर दूंगा तो ये आ जाएगा आपके पास वन अपॉन साइन थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है हमारे पास? वन अपॉन साइन थीटा। और कॉट थीटा क्या होगा हमारे पास? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। चलिए साइन थीटा एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा एलसीएम तो ये बना वन प्लस कॉस थीटा, हेंस प्रूव्ड। आया क्या कुछ समझ में? देख लीजिए वन प्लस कॉस थीटा, ये थीटा चल रहा है यहाँ पे, ए नहीं था ये थीटा था, ये क्या था आप लोगों के पास? थीटा था,
तो ये थीटा चल रहा है, आप थीटा और क्यू में डिफरेंस समझिएगा, ये थीटा और क्यू अलग अलग होते हैं, मैं थीटा ऐसा बनाता हूँ, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से होता है, तो इसका डिफरेंस ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन सेम टाइप का ले रहा हूँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो क्या बोला उस क्वेश्चन में, इसको हटा रहा हूँ, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन जो आएगा वो आपके लिए एनसीईआरटी फोल्डर से होगा। इस क्वेश्चन को आप साइन कॉस में डील कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज्यादा टिपिकल बनता है, उसमें साइन की मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है, वो चीज भी मैं सिखाऊंगा, लेकिन एक कंसेप्ट पूरा करने के बाद हम सबसे लास्ट में सीखेंगे ताकि ये मिक्स नहीं हो। मैं साइन कॉस से भी इस क्वेश्चन को करवाऊंगा, वो पर टिपिकल होता है, हम एक बार सही तरीका सीख रहे हैं उसके बाद हम उसको एडॉप्ट करेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है आपको वो ये है, एनसीईआरटी से है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा प्लस वन अपॉन साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा माइनस का वन इक्वल्स टू वन अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास, इस क्वेश्चन में क्या होगा, एक दो तीन तीन के पेयर, यानी कि ये बात तो फैक्ट है कि हम साइन कॉस के साथ डील नहीं करेंगे, ये बात तो फैक्ट है हम साइन कॉस के साथ डील नहीं करेंगे, ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में 5-star 3D क्वेश्चन है, आने पहले वाले दो क्वेश्चन इसी से रिलेट कर रहे थे, अभी पहले वाला क्वेश्चन बन जाएगा एक स्टेप के बाद, आप देखिएगा। सबसे पहला काम, इधर क्या लिखा हुआ आपके पास, सेक और टेन लिखा हुआ है, इधर क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे देखिए सेक और टेन, तो इस क्वेश्चन को भी सेक और टेन बनाना पड़ेगा, इधर वाले एलएचएस को भी क्या करना पड़ेगा, सेक और टेन बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, इस वन को पकड़िए, इस वन में किसका डिवाइड दू कि सेक या टेन आ जाए, कॉस का डिवाइड दूंगा, देखो वन अपॉन कॉस क्या होगा सेक, ये इमेजिनेशन है, ये इमेजिनेशन है, टाइम के साथ पता चलेगा, इधर सेक और टेन है तो एलएचएस को भी मुझे क्या बनाना है, सेक और टेन बनाना है, इस वन में किसका डिवाइड दू कि वो सेक थीटा बन जाए, कॉस का डिवाइड दूंगा। अगर यहां पर पहले मैं एक स्टेप लिख लेता हूं, डिवाइडिंग एलएचएस स्टार्ट कर रहा हूं, डिवाइडिंग बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या कर रहा हूं, कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूं, एक स्टेप लिखने दो मुझे, एक स्टेप लिखने दीजिए, उसके बाद मैं आपको और एक्सप्लेनेशन दूंगा अगर इसमें क्या क्या चेंज हो सकता है क्वेश्चन में। देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पूरे न्यूमरेटर और पूरे डिनोमिनेटर में देना है, माइनस का कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का वन अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस का वन अपॉन कॉस थीटा, ये यहाँ पे थोड़ी सी गलती कर दी है, वन अपॉन कॉस थीटा, एलएचएस स्टार्ट कराए। अब एक बात सुनिए, अगर यहाँ पे कॉसेक कोट होता, यहाँ पे क्या होता, कॉसेक और कोट होता, तो उस केस में मैं इस वन में किसका डिवाइड देता, वो कॉसेक बन जाता, साइन का डिवाइड देता। एक क्वेश्चन ऐसा और कराऊंगा जिसमें किसका डिवाइड देना पड़ेगा, साइन थीटा का डिवाइड देना पड़ेगा। चलिए मैंने कॉस थीटा का डिवाइड क्यों दिया, क्योंकि इधर सेक टेन सेक थीटा टेन थीटा था, तो मुझे इधर भी सेक थीटा टेन थीटा बनाना था। आपको वीडियो पॉज, एक बार नहीं समझ आता तो वीडियो को रिपीट कीजिए, पॉज कीजिए, ये चीज क्लियर कीजिए, मैं डिवाइड क्यों दे रहा हूं, क्योंकि मुझे सेक थीटा टेन थीटा बनाना है, इस वन में डिवाइड किसका दूं, कि ये सोचने का तरीका कि यह क्या बन जाए, सेक थीटा बन जाए। चलिए साइन थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, ये यहां पे था टेन थीटा माइनस का वन प्लस का सेक थीटा अपॉन यहां पे साइन अपॉन कॉस क्या हुआ, टेन थीटा प्लस का वन माइनस का सेक थीटा।
देखिए वापस sec और tan में क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, वापस sec और tan में क्वेश्चन क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। इस माइनस और प्लस वन को साइड में लिख रहा हूं, tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस का वन अपॉन tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस वन। हटाइए इसको, चलो एक काम करते हैं, यहां पर इसके आया क्वेश्चन तो सेम है, अभी आपने एक से क्वेश्चन छोड़ के इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था सेम क्वेश्चन था, खाली साइन का फर्क हो सकता है। मैंने इस वन की जगह क्या रखा था, आइडेंटिटी रखी थी, चलिए रखिए इस वन की जगह आइडेंटिटी। ये क्या होगा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस वन, वन की जगह आइडेंटिटी रखनी है, वो आइडेंटिटी क्या होगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बना, टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का वन। आइडेंटिटी याद करना होना चाहिए, अभी मैंने आपको लिखी थी, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा। आगे का क्वेश्चन सेम, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो लिखिए इसको टेन थीटा सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। आगे लिखिए इसको, देखो ये पूरा ब्रैकेट था, ये अभी माइनस एज इट इज, सॉरी माइनस एज इट इज, इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखिए, लिखिए इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा और सेक थीटा माइनस का टेन थीटा अपॉन नीचे वाली स्टेप एज इट इज। नीचे वाली स्टेप क्या है, एज इट इज टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस का वन। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब देखिए ऊपर से क्या कॉमन है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन, इसको लिखिए वन, यहां से पूरा बाहर आया, ये क्या आया वन, माइनस का ये पूरा बाहर आ गया, क्या बच रहा है, sec थीटा माइनस का tan थीटा अपॉन नीचे वाली स्टेप एज इट इज tan थीटा माइनस का sec थीटा प्लस वन। देखिए ध्यान से, वापस एक स्टेप और लिख लीजिए, tan थीटा प्लस, लंबा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लिखवाया है। एनसीईआरटी फोल्डर ट्रिकी कंसेप्चुअल लेंदी आएगा, चार नंबर में श्योर है, फैक्ट है, नहीं करो तो आप लोगों की इच्छा। टेन थीटा प्लस सेक थीटा एज इट इज, इसको ओपन करो, वन माइनस सेक थीटा माइनस, और माइनस क्या होगा, प्लस का टेन थीटा प्लस का टेन थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस का सेक थीटा प्लस वन, माइनस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा प्लस का वन। ये पूरा ब्रैकेट सेम है इसलिए कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब आंसर में क्या आ रहा है, वन अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा आ रहा है। तो एक काम कीजिए, जो चीज लानी है, जो चीज लानी है उसका आप क्या करिए, उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो चीज लानी है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पर, और नहीं तो आरएचएस को सॉल्व कर दीजिए, आरएचएस को रैशनलाइज कर दीजिए। हमने एक क्वेश्चन करा था जहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा का वन अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा लिखा था, तो आपको क्या करना है, या तो यहाँ से आरएचएस सॉल्व कर दीजिए, आरएचएस को रैशनलाइज कर दीजिए, और नहीं तो मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा इस क्वेश्चन में, यहाँ के बाद मैं जो चीज लानी है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं यही मैनेज कर रहा हूँ। देखिए जो चीज लानी है उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, करिए माइनस का टेन थीटा अपॉन नीचे क्या मल्टीप्लाई करा है मैंने, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। क्वेश्चन में कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। आप देखो इससे वापस से कैंसिल होकर सेम चीज बची, तो मल्टीप्लाइंग बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये स्टेप आपको लिखनी है, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखी। यहां से देखिए ऊपर sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, इसको आगे पीछे लिखिए, sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा, a प्लस b और a माइनस b बन रहा है, इसको आप क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा,
अपॉन क्या बचा, ये sec थीटा माइनस tan थीटा, ऊपर वाले की वैल्यू 1 होती है क्या, sec स्क्वायर थीटा, अभी देखिए sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, माइनस तो एज इट इज 1 होता है, तो ऊपर वाले की वैल्यू क्या लिख दीजिए, 1 sec थीटा माइनस का tan थीटा, हैंस प्रूव्ड, ये RHS आ गई आपके पास, देखिए ये RHS थी, ये था उसके बाद मैंने ये करा, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और कनेक्ट कीजिए, ये सारे क्वेश्चन एक जैसे बनेंगे अगर आपको एक स्टेप मैनेज करना आ गई तो, उसके बाद देखिए तीन क्वेश्चन से मैं एक ही काम कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें चेंज होगी वो आपको टाइम के साथ आ जाएगी, गॉट इट, मेरी बात को समझ रहे हैं आप, चलिए इसी का एक क्वेश्चन और मैनेज करता हूँ, देखिए वो क्या बोलता है हमें क्वेश्चन, सेम एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, वो हमें बोलेगा मैं अभी आपका बेस बनाने का काम कर रहा हूं, मैंने एनसीईआरटी की बुक नहीं उठाई है, हम एनसीईआरटी की बुक का भी पूरे लेक्चर्स बनाएंगे जिसमें इन सारी चीजों को रिकॉल करेंगे वापस, ये लेक्चर सीरीज पूरी होने के बाद हम सिर्फ एक सीरीज बनाएंगे जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होंगे, एक सीरीज बनाएंगे हम लेक्चर की जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और एक सीरीज बनाएंगे जिसमें प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से क्वेश्चंस होंगे, हमारे लिए ये बहुत सारे टास्क बाकी हैं, इसलिए हम अभी के लिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा स्पीडली, देखिए आगे है हमारे पास क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में आपको बोला 1 प्लस कॉस थीटा, नहीं ये वाला नहीं, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये क्वेश्चन है आपके पास, देखिए अगेन तीन तीन के पेयर वाला क्वेश्चन है, 1 2 3 1 2 3, तो इधर राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा लिखा हुआ है, तो इधर भी मैं क्या बनूंगा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, इस वन में किसका डिवाइड दूं, इस वन में किसका डिवाइड दूं, वो क्या बन जाए, कॉसेक थीटा बन जाए, तो किसका डिवाइड दूंगा, साइन थीटा का, क्लियर हुआ, पहले कॉस थीटा का दिया था, क्यों, क्योंकि सेक बनाना था, कॉसेक बनाना है, इसलिए किसका दूंगा, साइन का, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा, चलिए इसमें मैं डिवाइड देता हूं कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहां पे भी कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन, यहां पे नीचे कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। इस क्वेश्चन में आपको एक चीज और प्रूफ करवा सकता था, वो ये करवा सकता था 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक बात सुनना, इधर राइट हैंड साइड पे कॉसेक और कॉट दे रखा है, तो साइन का डिवाइड दिया, राइट हैंड साइड पे सेक और क्या था, टेन था, तो कॉस का डिवाइड दिया था, लेकिन अगर ये स्टेप गायब कर देता, मेरी बात समझना, अगर ये वाली स्टेप गायब कर देता और डायरेक्ट ये प्रूफ करवाता cos sin 1 और 1 plus cos theta upon sin theta, तो उस केस में आप कैसे मैनेज करते, तो उस केस में बता देता हूं, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सिंगल कौन है, ऊपर और नीचे sin theta सिंगल है, ये सोचने का तरीका है, आप कैसे मैनेज कर रहे हो आप पे डिपेंड करता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या सिंगल है, साइन थीटा, तो मैंने किसका डिवाइड दे दिया, साइन थीटा का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या सिंगल होता, कॉस थीटा, तो मैं किसका डिवाइड दे देता, कॉस थीटा का डिवाइड दे देता, स्पेसिफिक इस क्वेश्चन के लिए जो पिछले तीन क्वेश्चन थे, चलिए कॉस अपन कॉस 1 माइनस का साइन अपन कॉस कॉट थीटा प्लस का कॉसेक थीटा अपॉन कॉस अपन कॉस 1 प्लस
कुछ गलती हो गई क्या? देखिए क्या गलती हुई मेरे से, हमें डिवाइड साइन थीटा का देना है, लेकिन डिवाइड किसका दे दिया? कॉस थीटा का दे दिया। इसको करेक्ट करते हैं, हमें डिवाइड किसका देना है? साइन थीटा का। तो ये बनेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस का वन अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये बनेगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस वन अपॉन साइन थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है? कॉट थीटा माइनस साइन अपॉन साइन माइनस वन प्लस का वन अपॉन साइन कॉसेक थीटा अपॉन कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा प्लस वन माइनस का वन अपॉन साइन क्या होगा? कॉसेक थीटा। आपको वीडियो को पॉज करके आगे मूव करना है। मैं स्टेप्स यहाँ से थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप पॉज कीजिए, खुद से मूव कीजिए, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट कर रहे हैं। चलिए इस वन को साइड में लिखिए, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा माइनस वन अपॉन कॉट थीटा प्लस वन प्लस का, ये प्लस वन साइड में लिख रहा हूँ, कॉसेक थीटा प्लस वन। अब इस वन की जगह क्या रखूंगा? आइडेंटिटी कौन सी? कॉट और कॉसेक की। पूरा प्रोसेस सेम जो पिछले तीन क्वेश्चन में हमने करा, वो पूरा प्रोसेस सेम। एक क्वेश्चन को चार बार उतराया है मैंने, उसका रीजन आप समझ सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ स्टेप्स चेंज हुई है, आगे का पूरा प्रोसेस सेम। देखिए वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो इस वन की जगह आप क्या लिख सकते हो? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। मैं थोड़ा स्पीडली कर रहा हूँ, चलिए रखिए यहाँ पे कॉट थीटा एज इट इज प्लस का कॉसेक थीटा माइनस का, उसकी जगह क्या रखेंगे? वन की जगह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन, ये क्या बचा नीचे? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस वन। इतनी चीज क्लियर है? एक बार इसको प्लस में, एक बार माइनस में, पूरा प्रोसेस सेम है, पूरा प्रोसेस सेम है। एक बार इसको प्लस में, एक बार माइनस में, लिखिए कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा एज इट इज माइनस, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। तो ये आएगा आपके पास कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, एक बार प्लस में, एक बार माइनस में। नीचे वाला एज इट इज, नीचे वाला क्या कर रहा हूं? एज इट इज लिख रहा हूं, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस वन। अब ऊपर से क्या हो कॉमन? कॉसेक थीटा कॉट थीटा कॉमन, वो का वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस, नो चेंज। आपसे रिक्वेस्ट, आप हर क्वेश्चन पे वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से मूव कीजिए। नहीं समझ में आता है वापस देखिए, खुद से पॉज कीजिए और फिर वापस खुद से मूव कीजिए, तब जाके हमारा परफेक्शन होगा। आपको इनको कॉपी नहीं करना है। आपसे फर्स्ट डे से बोल रहा था मैंने कि आपको वीडियो को पॉज करके सेल्फ मूव करना है। चलिए कॉमन लीजिए, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा कॉमन, यहां से क्या बचा? वन माइनस, ये बचेगा कॉसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा अपॉन नीचे वाला एज इट इज कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस वन, कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा प्लस वन। अब यहां पे साइन मिस्टेक आ रही है, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया है शायद, जहां तक मेरा आइडिया है। ये देखिए यहां गलत करा है, ये माइनस तो यहाँ के क्या हो गया? प्लस हो गया। इस साइन को सही कीजिए, ये माइनस है, ये वाला यहाँ पे माइनस है, ये प्लस, ये देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये कॉसेक यहाँ पे माइनस, ये कॉसेक यहाँ पे माइनस, ये कॉसेक यहाँ पे माइनस, और ये कॉसेक यहाँ पे माइनस। अब वन माइनस कॉसेक और माइनस माइनस प्लस, देखिए ये दोनों ब्रैकेट क्या हुए? सेम, इससे ये कैंसल। बचा क्या आपके पास? कॉट थीटा प्लस कॉसेक थीटा, देख लीजिए ये आंसर आ गया, इक्वल्स टू आर एच एस, हैंस प्रूफ। अगर आपको सेकंड वाला आंसर लाना है, इससे आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ।
आप लोगों को इसको साइन और कॉस में चेंज कर देना है, आप लोगों को इसमें क्या चेंज कर देना है, साइन और कॉस में वो आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी प्रीवियस लेक्चर हैं उनके सारे क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट करके रखिए और बार बार रिपीटेशंस पे लाइए, तब जाके आप ट्रिग्नोमेट्री के परफेक्शन पे होंगे। चलिए, लेट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल मीट टुमारो विथ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू क्वेश्चंस एंड न्यू एनर्जी। थैंक यू।